दोस्तों अगर आपको भी चाहिए पूरे 25,000 से लेके 5 लाख तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन और अच्छी से एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो तो जी दोस्तों आप ले सकते हो अपवर्ड की मदद से घर बैठे लोन। अपवर्ड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, इसमें ब्याज कितना है, प्रोसेसिंग फीस कितना है, कैसे 100% इस पर लोन मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों कई लोग ये कहेंगे कि अपवर्ड एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलता। दोस्तों बता दूं इस वीडियो को 100% देख लो, समझ लो, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा कि एप्लीकेशन से कैसे लोन मिलता है, क्योंकि इसमें पूरा A to Z बिल्कुल सही से देने वाला हूं, आपको सही से समझाने वाला हूं। आप दोस्तों सही से इंफॉर्मेशन लीजिए, समझ जाओगे इस पे कैसे आपको अप्लाई करना है। जो मेन डॉक्यूमेंट है वही आपको देना है, पहले सही से इंफॉर्मेशन लीजिए, समझ जाओगे कि भाई कैसे अप्लाई करना है, आपका लोन रिजेक्ट नहीं होगा। तो वीडियो को बिल्कुल सही से देखिएगा, सही जानकारी लीजिए, जाके अप्लाई कीजिएगा, 100% आपका लोन कहीं से भी आपको मिल सकता है इस अपवर्ड की मदद से। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करते हैं सपोर्ट मिलता है कि आपके लिए वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं प्ले स्टोर पे, अपवर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है लिंक नीचे दिया में, वहां जाएंगे और जानकारी लेने के बाद वहां जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, सीधा आ जाएंगे प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान किए, कई लोगों को अपवर्ड एप्लीकेशन से लोन नहीं मिल पा रहा है, यानी कि कई लोगों को मिल भी चुका है, कई लोगों को नहीं मिला है। लेकिन अपवर्ड के बारे में कई लोग सही से समझते नहीं है कि अपवर्ड कैसे लोन देता है। यानी कि अपवर्ड से 100% दोस्तों लोन ले सकते हो, लेकिन यानी कि अपवर्ड के बारे में आपको बिल्कुल सही से इन्फॉर्मेशन आपको लेना पड़ेगा, फिर जाके आप अपवर्ड की मदद से आपको लोन मिल सकता है। तो इस वीडियो में इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सही से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, ताकि दोस्तों आप सही से समझ सको। इसके लिए दोस्तों माफी चाहता हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, धन किए, तो वीडियो को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिए ताकि आपको बिल्कुल सही जानकारी मिल सके। धन किए हम आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानकारी लेने के लिए आपको टाइम निकाल के ये वीडियो देखना पड़ेगा। धन किए सबसे पहले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अपवर्ड से देखते हैं 5 लाख तक का लोन मिल रहा है, 5 लाख तक का। तो इसके बारे में दोस्तों हम जानकारी आपको देते हैं अच्छे से, मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, यहाँ पे मैंने नोट यहाँ पे पूरा नोट कर रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों अपवर्ड से आप जो घर बैठे अपनी जो भी आपकी ज़रूरत है घर पे, उसके लिए लोन आप ले सकते हो, पर्सनल लोन, किसी लिए भी पर्सनल यूज के लिए कहीं भी यूज कर सकते हो इससे। ठीक है, अपवर्ड से लोन कितना मिलता है, 25,000 से लेके 5 लाख तक का लोन मिलता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसका ब्याज पहले समझ लीजिए, इसका जो ब्याज है स्टार्टिंग होता है 18% से लेके 32% तक साल का लगता है। ठीक है, ये आप देख लिया आपने। उसके बाद दोस्तों यानी कि ये प्रोसेसिंग फीस इसका 2% लगेगा, जब भी लोन अप्लाई करोगे, जितना लोन अप्लाई करोगे उसका 2% का प्रोसेसिंग फीस लगेगा। और इसका EMI यानी किस्त आप बना सकते हो उसका 6 महीने से लेके 36 महीने के लिए। ठीक है, और लोन यानी कि दोस्तों जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स डालोगे अपवर्ड में, तो वहाँ पर 24 घंटे में आपका डिस्पैच हो जाता है अप्रूवल, सीधा 24 घंटे के अंदर आपका पैसा बैंक में आ जाता है। यानी कि ठीक है, 24 से मतलब 1 से 24 घंटे में अप्रूवल हो गया तो पैसा बैंक में आ जाता है। यानी कि ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिए इसके लिए हमारे पास मेन डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, आपको लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूं बिल्कुल एंड में, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन डाउनलोड करके कैसे आपको अप्लाई करना है। तो पहले ये सब चीज़ रेडी कर लीजिए कि हमें आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, फिर जाके आप रेडी कीजिएगा, फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। धन किए ठीक है, तो पहले दोस्तों पहले समझ लिया डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या चाहिए मेन धन किए, अपवर्ड से लोन लेने के लिए क्या क्या चाहिए धन किए, और किन को नहीं मिलेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा दूँ अपवर्ड से लोन लेने के लिए किसको किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है। ठीक है, सैलरी देखते हैं यहाँ पे, सैलरी वालों के लिए देन किए, सैलरी एम्प्लॉयड ओनली की मिल सकता है, सैलरी वालों के लिए, सिर्फ सैलरी वालों के लिए है ये लोन, और किसी को लोन नहीं मिल पाता है। देन किए बाकी और भी कोई हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा, सिर्फ सैलरी वालों को लोन यहाँ पे मिल रहा है, सैलरी एम्प्लॉय जो है उन्हीं को दिया जा रहा है, बाकी यहाँ पे क्रेडिट दिया गया है उनको नहीं है, स्टूडेंट वगैरह जो भी हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये लोन अप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए कि आप सैलरी वाले हो, तो सैलरी आपका कितना होना चाहिए, सैलरी मिनिमम आपका 20,000 रुपया होना चाहिए, 20,000 से कम है तो लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, 20,000 ही आपको होना चाहिए, 20,000 से प्लस आपका होना चाहिए, 20,000 से प्लस आपका होना चाहिए मिनिमम, आपके पर महीने का पैसा आपका बैंक में क्रेडिट होना चाहिए। कई लोग ये नहीं समझते थे कि जाके फटाफट अप्लाई करते थे, सोचते थे कि आधार कार्ड पैन कार्ड मिल जाएगा, लेकिन सही से इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखते हैं उसके बाद दोस्तों सिविल स्कोर, सिविल जो है ना, सिविल आपका 650 होना चाहिए, 650 से प्लस, इससे कम हुआ तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे और पैसा आपके धन किए बैंक में ट्रांसफर होना चाहिए, NFT आपके बैंक में हर महीने पैसा आना चाहिए धन किए। ठीक है, सैलरी आपके हर महीने पैसा बैंक में क्रेडिट होना चाहिए, कैश मिल रहा है या फिर चेक मिल रहा है तो भी आपको नहीं मिलेगा, पैसा सीधा आपके बैंक में आ रहा है तब जाके मिलेगा आपको। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों ध्यान किए, इसका लोन अप्लाई करने के लिए एज कितना होना चाहिए, ध्यान किए 21 साल से लेके 55 साल तक, ठीक है। 21 साल से लेके कम आयु को लोगों को नहीं मिलेगा, जो उसकी कम एज है उनको नहीं मिलेगा 21 साल से, और ध्यान किए 21 साल से लेके 55 साल तक के लोगों को मिलेगा, 55 साल से ज़्यादा हैं तो फिर भी नहीं मिलेगा, 21 साल से लेके 55 साल तक इसके बीच में ही लोन यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आप इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, किस रीजन के लिए लोन ले सकते हो, ध्यान किए फैमिली के लिए ले सकते हो, होम के लिए ले सकते हो, ट्रेवल, मेडिकल, एजुकेशन के लिए ले सकते हो, लेकिन आपका सैलरी हर महीने आना चाहिए 20,000 रुपये तब, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपवर्ड से लोन लेने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, जो मेन डॉक्यूमेंट्स है उस पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए, और ध्यान रखिए वेतन स्लिप आपका कम से कम जो सैलरी आता है उसका सैलरी स्लिप हर महीने आपको मिलना चाहिए, 3 से 6 महीने का सैलरी स्लिप आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और बैंक का स्टेटमेंट, आपको जिस बैंक में पैसा आता है उसका बैंक का स्टेटमेंट 6 महीने से लेकर 12 महीने के लिए आपके पास उस पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखिए जो जहाँ भी आप रहते हैं, मान लीजिए आधार कार्ड कहीं और का है आपका और कहीं पर और रह रहे हो, तो जहाँ पर रह रहे हो वहाँ का एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए, ध्यान रखिए जैसे कि बिजली का बिल या फिर फोन का बिल, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, यानी मतलब जो एड्रेस प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आधार कार्ड, मतलब मान लीजिए किसी और सिटी का आपका घर है, ठीक है, जहाँ पर आपका आधार कार्ड बना हुआ है और किसी और सिटी में रह रहे हो, वहाँ का आधार कार्ड का एड्रेस है तो आधार कार्ड दे सकते हो, ठीक है। वरना धन के दोस्तों यहाँ पे कोई सा भी फोन का बिल या फिर कोई सा भी बिल आप जिस पे एड्रेस है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स है बता दिया हूँ, ये मेन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए चीज। और ध्यान रखिए दोस्तों ये अपवर्ड आपको क्यों चुनना चाहिए लोन लेने के लिए, यानी कि कई लोग ये कहेंगे अपवर्ड से हम लोन क्यों लें, क्योंकि दोस्तों अपवर्ड से 100% डिजिटल प्रोसेसिंग फीस लोन है और 24 घंटे 7 दिन, मतलब 24 घंटे 7 दिन कभी भी आप इस पे लोन अप्लाई कर सकते हो, कभी भी आपको पैसा मिल सकता है, ध्यान रखिए, ठीक है। और ये तुरंत अप्रूवल हो जाता है, ध्यान रखिए कम प्रोसेसिंग फीस और यहाँ पे लंबे समय के लिए, ठीक है, ब्याज किस्त बना सकते हो, ठीक है। फास्ट इस पे डिस्पर्स होता है, मतलब फास्ट इस पे प्रोसेसिंग जो भी होता है फास्ट इस पे काम होता चलता है इनका, जो भी हो जैसे अप्रूवल करोगे तो फास्ट इनका डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तो सीधे आपके पैसा बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, कहीं नहीं, यानी कि वैलेट से आप ट्रांसफ़र करने जाओ सीधे आपका पैसा बैंक में आता है। उसके बाद दोस्तों ये जो लोन है पूरे भारत में है, कहीं से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो पूरे भारत में, ठीक है। और यहाँ पे आप इस पे समय से धन किए टाइम जो इनका किस्त है वो पे करते हो तो आपका सिविल स्कोर भी, क्रेडिट स्कोर है वो आपका बढ़ता जाएगा आगे। इन पर मान लीजिए कि आपको 50,000 लोन मिला, आगे चल के और भी लोन इस पे मिलता रहेगा, ठीक है। लोन इस पे आसानी से कहीं और से भी मिल सकता है आपको, इस पे टाइम पेमेंट करते हैं तो कहीं और से मिल सकता है, इस एप्लीकेशन में मिलता है, कहीं से भी मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान किए अपवर्ड से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना है, लोन अप्लाई करने के लिए कोई चार्ज हमें नहीं देना पड़ता है, ठीक है। अपवर्ड लोन कैसे अप्लाई करें, ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं दोस्तों ध्यान किए अपवर्ड में और वहाँ पे जानकारी देते हैं, ध्यान किए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन, ठीक है। तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे इस तरह का इंटरफेस मतलब आ जाएगा, अपवर्ड की लोगो वगैरह आ जाएंगे जैसे डाउनलोड करोगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा स्टेप ध्यान रखिए कि यहाँ पे दूसरा स्टेप है वो आपको क्या करना है ये देख लीजिए। अपवर्ड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से पहले तो आप अपवर्ड का प्ले स्टोर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप इस पे अपने मेल आईडी से, ठीक है, इनको जो मेल आईडी से या फिर मेल आईडी से आप इस पे साइन अप करेंगे, मेल आईडी से या फिर फेसबुक से इस पे साइन अप कर लीजिएगा। और ध्यान रखिए साइन अप करते समय ध्यान रखिए बिल्कुल आप जो आपका सेम आईडी है वही नाम मैच होना चाहिए, बैंक आईडी हर एक ही किसी के नाम पर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके नाम पर हर चीज़ है तो आप ही के नाम पर डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ होना चाहिए, बैंक हर किसी आधार कार्ड पिन कार्ड जो भी देते हैं वो सब आप ही के नाम पर होना चाहिए, इससे भी आपका लोन हो सकता है, ठीक है। तो यहां से अपना मेल आईडी से कंटिन्यू कर लीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहां पे देने के, ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहां से हम आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे इसके होम पेज पे। जैसे ही खोलेंगे तो इसके इसमें मोबाइल में आप आ जाएंगे होम पेज पे इसका आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लोन अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं 7500 से लेके यहां पे जो भी आपको है लोन यहां पे ऑफर आपको मिल जाएगा। बेसिक मिशन डाल के आप इस पे साइन अप करोगे तो यहाँ पे लोन का ऑफर आपको मिल जाएगा, जिसकी लोन जितना चाहिए आपको यहाँ से आप ले सकते हो, जितना अमाउंट चाहिए 7500 से लेके जितना अमाउंट आप शो करेगा वहाँ से आप अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी एक अमाउंट चाहिए आपको, मान लीजिए 50,000, 60,000, 1,00,000 जो भी आपको लोन चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ,
सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है आपको, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करना है, जितना भी लोन चाहिए आपको उतना अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है आपको यहाँ से। उसके बाद दोस्तों केवाईसी के लिए अपना पैन कार्ड डालना है, और पैन कार्ड यानी कि योर नेम, जैसे पैन कार्ड जो नाम है फुल नेम वो नाम डाल देना है, और पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे कंटिन्यू करना है, मेल फेमल करने के बाद कंटिन्यू कर देना है आपको, आपको दिख रहा होगा। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे वर्क करते हैं ठीक है, उसका डिटेल आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि बता दिया था पैसा आपको, पैसा आपके बैंक में हर महीने क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अपना जितनी भी मंथली इनकम है आपका, ठीक है, वो मंथली इनकम इंटर करना है आपको, जो भी मतलब मिनिमम 20,000 रुपये इनकम होना चाहिए आपका, ठीक है। जो भी कंपनी का नाम है, जहाँ भी जॉब करते हैं, कंपनी का नाम वगैरह डिटेल, कंपनी का मेल आईडी वगैरह डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे कि उसके बाद उसको किस टाइप का जॉब करते हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप इस पर कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थर्ड स्टेप यहाँ पे आ जाए, जो भी केवाईसी का थर्ड स्टेप यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे लोन, जैसे कि लोन परचेस किस रीजन के लिए आप लोन लेना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया हूँ, किसी अपने पर्सनल यूज के लिए किसी के लिए ले सकते हैं, आपको बता दिया हूँ पहले ही। तो वहाँ पे कोई सा भी यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, क्या पर्सनल यूज के लिए कुछ भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं फैमिली में, ठीक है, मेडिकल कुछ भी के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे आप रह रहे हो, उस करेंट एड्रेस पे आप कब से रह रहे हो, वो यहाँ पे इंटर करना है, उसका डिटेल यहाँ पे इंटर कर देना है, उसको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है, ठीक है, समझ गए। पर्सनल ये सब डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको केवाईसी के लिए और आगे बढ़ जाएंगे, तो पैन कार्ड, जो आपने पैन कार्ड डाला था उसका फोटो डालना है, और अपना सेल्फी डालना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पिक्चर बिल्कुल यहाँ ध्यान किए, सिर्फ ध्यान किए इमेज, जो पेन का डालोगे आप, ठीक है, वो यहाँ पे ओनली इमेज में आप अपलोड करना है, और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। नोट आपको ध्यान किए सबसे पहले कि जो 3 मंथ का यहाँ पे आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करोगे, वो आपका PDF में होना चाहिए, ठीक है, PDF में होना चाहिए, और यहाँ पे बैंक डिटेल डालना है, बैंक डिटेल डालना है, और यहाँ पे 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट डालना है, ठीक है, ये मैंडेटरी है, ये सब डालना है उसको आपको, ठीक है। तो ये सब डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं पैन कार्ड जो भी एड्रेस वगैरह सब यहाँ डालने के बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आ जाएंगे केवाईसी का अगला स्टेप आ चुका है, जो आपने आधार कार्ड डाला है, आधार कार्ड का यहाँ पे यानी कि आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड पे जो मोबाइल में अटैच है वो आपके साथ में होना चाहिए, ठीक है, जो आधार कार्ड मोबाइल में अटैच है वो आपके साथ में होना चाहिए, क्योंकि ये डिजिटल केवाईसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड जो मोबाइल में अटैच है उस पर OTP जाएगी, और ये KYC आगे बढ़ जाएंगे, जैसे कि OTP डालने के बाद यहाँ पे KYC के लिए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बैंक डिटेल दोस्तों ध्यान किए, 3 महीने के बता दिया था बैंक का यहाँ पे मैंडेटरी है, PDF में अपलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे डिटेल आपको पूरा A to Z जो बैंक की जो भी आप डालोगे उसका यहाँ पे IFSC कोड यहाँ पे डबल, जो ताकि पैसा भी आपके बैंक में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जब अप्रूवल हो गया तो पैसा सही से आपका आ जाए, बैंक की सारा मैच होना चाहिए, और जो भी 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करोगे, ठीक है, तो बिल्कुल सही से अपलोड कीजिए, PDF में सिर्फ अपलोड करना है। उसके बाद बैंक का यहाँ पे बैंक फिर दोबारा बैंक डालना है ताकि कन्फर्म हो जाए, और यहाँ पे IFSC कोड यहाँ से कंटिन्यू कर देना है, प्रोसेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और ध्यान रखिए दोस्तों कि पहले क्या था, एक चीज़ और, कि जैसे कि कोरोना वोरोना चल रहा था उस टाइम इनके कस्टमर केयर घर पे आते थे, लेकिन अब दोस्तों कोई कस्टमर केयर इनके घर पे आपके घर पे नहीं आएंगे, सारा प्रोसेसिंग आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है, ऑनलाइन ही करना है, कहीं नहीं जाना, सब आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स डाल दोगे यहाँ पे आपको अप्रूवल हो गया। मान लीजिए जैसे कि आपने जो भी लोन सेलेक्ट किया था उस समय वहाँ पे लोन नहीं मिलेगा, ठीक है, जो भी लोन आपके पैन कार्ड सिविल सही होगा, ठीक है, सिविल होगा उसके हिसाब से, सिविल और सैलरी मैच करेगा उसके हिसाब से यहाँ पे लोन का ऑफर आपको मिल जाएगा। तो लोन का ऑफर यहाँ पे 2 लाख तक का मिला हुआ है, इसमें से आपको जितना चाहिए उतना अमाउंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए 2 लाख का लोन ऑफर मिल गया आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे किस्त बनाना है, यहाँ पे जो भी है 6 महीने से लेकर 36 महीने के बीच में जितना अमाउंट लगे किस्त बना देना है यहाँ पे। तो मान लीजिए 45,000 ले लिया, 24 महीने के लिए किस्त मैंने बना दिया इसका। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे EMI भी आ चुका है, देखते हैं लोन अमाउंट, देन से लोन अमाउंट 35,000, और यहाँ पे दोस्तों देखते हैं
ईएमआई है 24,000, जैसे कि इसमें मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी अमाउंट चाहिए तो यहाँ पे आपको सब शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैच कर लीजिएगा, 35,000 का यहाँ पे लोन मुझे मैंने सेलेक्ट किया है 24 महीने के लिए, और किस्त बना है दोस्तों 2218 रुपये, ठीक है, 24 महीने के लिए। यहाँ से ओके कर दे रहा हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, यानी कि ई साइन करना पड़ेगा। ई साइन के लिए आपके OTP वेरिफिकेशन होगा, OTP आपके फ़ोन पे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से OTP यहाँ साइन OTP डालने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोकेशन कैप्चर करेंगे आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कंप्लीट अप्रूवल डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट अप्रूवल डिटेल में देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देन किए यहाँ पे योर डिजिटल साइन लोन एग्रीमेंट, जैसे कि डिजिटल साइन होता है वो एग्रीमेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना फादर का नाम डाल दीजिएगा, मदर का नाम यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में यहाँ पे आपको करना क्या होगा, जो भी होगा अपने फादर का अपने मदर का नाम आपने डाल दिया। उसके बाद दोस्तों परमानेंट एड्रेस, जहाँ का आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस वगैरह डाल के यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये सब डालने के बाद दोस्तों यानी कि ठीक है, आपको जो भी जितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे इंटर कर देना है। और यहाँ के आप सिंगल या फिर मैरिड यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका ऑफिस का एड्रेस वो यहाँ पे मैच कर यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ई नेच जो होता है रजिस्ट्रेशन सेटअप होता है ENH, ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से आपको नेट बैंकिंग का आपको मतलब जैसे कि ई मैंडेटरी होता है, जैसे कि आजकल हर फाइनेंसर कंपनी हर फाइनेंसर बैंक यहां पे कर दिएगा ताकि पैसा आपके ऑटोमेटिक आपके बैंक से कट जाए। जो भी लोन लोगे दोस्तों पैसा उसी बैंक में जाना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए जो बैंक में पैसा गया आपका उसी बैंक से हर महीने पैसा आपका कटेगा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों ई नेच करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना नेट बैंकिंग से कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों देन के लॉगिन करने के बाद अपना नेट बैंकिंग, जो भी नेट बैंकिंग है नेट बैंकिंग आप इस्तेमाल करोगे तभी जाके आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये उसके बाद दोस्तों यहाँ पे KYC लोन तो आपका अप्रूवल हो गया, तो KYC यहाँ पे जो भी लोकेशन आपका ऑनलाइन KYC होगा इस तरह का देखते हैं, इस तरह का स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, इस तरह का KYC कंप्लीट होगा, ठीक है। KYC कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे KYC बिल्कुल देख से फर्स्ट में आपको सेल्फी लेंगे, KYC जो वीडियो को लिंक करेंगे इनके कस्टमर सेल्फी लेंगे, सेल्फी वगैरह लेंगे क्या भाई आप ही अप्लाई कर रहे हो, आप ही हो जो भी कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने पैन कार्ड वगैरह डाला था वो आप शायद देखेंगे, आपके साथ में पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड भी दिखाना पड़ेगा आपको, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फिल किया गया KYC में प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही सारा चीज़ करना है। ये सब चीज़ करने के बाद दोस्तों आपका जो लोन है यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुका है और आप इससे टाइम पेमेंट करते हैं दोबारा आपको लोन यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह दोस्तों ये पूरा स्टेप मैंने बता दिया, इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपको स्क्रीन पे पूरा स्टेप बाय स्टेप शो करा दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों एंड में पैसा आपके सीधे बैंक में आ जाएगा, ये सब होने के बाद। ये नहीं कि इनमें से कोई सब चीज़ छोड़ देते हैं तो आपका लोन आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो ध्यान रखिए जो भी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, वीडियो लंबा हो गया इसके लिए माफी चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ऐसी जानकारी हमारे चैनल पर चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ मेहनत करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन हमने निकाल के आपके सामने लेके आए हैं, पूरी जानकारी आपको दे दी है अपवर्ड के बारे में, तो आप सही समझ लोगे तो आपको 100% लोन आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।